नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 11 करोड़ राम नाम धन जुटाया गया है। यह धन जिले में सीताराम बैंक की शाखा में साल 2012 से लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल करीब 1 करोड़ राम नाम धन जमा हो रहा है और अब तक 11 करोड़ राम नाम धन का संग्रह हो चुका है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सारा कोष अयोध्या स्थित प्रधान कार्यालय भेजने की तैयारी चल रही है। यह जानकारी सीता राम बैंक के शाखा प्रबंधक रामानंद शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया है कि सोनभद्र के रावर्ट्सगंज स्थित पूरब मोहाल में इस बैंक की स्थापना साल 2012 में हुई थी। इसके लिए अयोध्या स्थित प्रधान कार्यालय से मुख्य प्रबंधक पुनीत रामदास महाराज खुद यहां आए थे। 2 कमरों के घर में संचालित इस बैंक के 169 स्थायी खाता धारक हैं। वहीं 200 से अधिक अस्थायी खाता धारक भी इस बैंक से जुड़े हुए हैं। वहीं खाता धारकों ने लाल रंग की स्याही से राम नाम लिखकर पुस्तिका इस बैंक में जमा कराई है। बता दें, एक पुस्तिका में लाल अक्षरों से लिखे 21,312 राम नाम होते हैं। अब तक बैंक में 369 पुस्तिका बैंक जमा कर चुका है। इसमें करीब 11 करोड़ राम नाम धन का संग्रह है। वहीं सीताराम नाम बैंक के प्रबंधक के मुताबिक, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया है, इसीलिए सीताराम बैंक के खाता धारक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बैंक में जमा पूरा राम धन किसी माध्यम से अयोध्या पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस बैंक से जुड़े मिठाई लाल सोनी और वैजनाथ देव पांडे का कहना है कि बैंक की तरफ से सभी खाता धारकों को एक पासबुक दी जाती है। प्रत्येक पासबुक में 28,000 से अधिक राम नाम लिखना होता है। वहीं 5 लाख राम लिखने के बाद ही किसी व्यक्ति के बैंक का स्थायी खाता धारक माना जाता है। वहीं स्थायी खाता धारकों के पास एक दूसरी पासबुक होती है, इसमें उनके नाम जमा होते हैं। वहीं होने का पूरा लेख रेट भी होता है। इन खाता धारकों को पुस्तिका घर ले जाने, होमवर्क करने या फिर यही बैंक में ही बैठकर लिखने की भी सुविधाएं होती है।